भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली ऑफिस में शाम से पहले ही जीत का जश्न मनाया गया। मोदी जी जिंदाबाद के नारे लगाए और कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई। यानी हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का सेलिब्रेशन फाइनल नतीजे सामने आने से पहले ही शुरू हो चुका है। लोकल 18 बीजेपी मुख्यालय पहुंचा तो वहां समर्थकों की बड़ी तादाद में भीड़ मौजूद थी। बात करने पर पार्टी के समर्थक ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। इस वक्त दिल्ली के हम बीजेपी ऑफिस में मौजूद हैं और यहां पे देख रहे हैं विधानसभा का भी रिजल्ट आने से पहले ही कार्यकर्ताओं में कितनी खुशी की उत्साह है। लोग जोर जोर से नारे लगा रहे हैं, भारत माता की जय, मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, एक दूसरे को अबीर लगा रहे हैं, मिठाइयां खिला रहे हैं और आप देख सकते हैं कि सभी पोस्टर झंडे लेके चिल्ला रहे हैं। तो चलिए यहाँ कार्यकर्ता से बात करते हैं और जानते हैं इनकी खुशी और जश्न का जो माहौल है। आज जिस तरीके से हरियाणा में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो तीसरी बार देखने को मिला वो काबिले तारीफ था। आज सुबह से जो है रुझान था, इतने पूर्ण बहुमत के साथ में प्रदेश की जनता को धन्यवाद देता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के किए गए कार्यों को देखते हुए जो वोट जनता ने किया वो पूरे देश के सामने है। इसलिए हरियाणा की सरकार को, हरियाणा प्रदेश की जनता को मैं अपने और अपने संगठन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर, रिजल्ट आने से पहले ही कार्यकर्ता जश्न मनाने लगे हैं, नारे लग रहे हैं जोर जोर से, अभी तो एग्जिट पोल का ये है तो उस पर क्या? देखिए, लगभग 2 बजे का समय हो चुका है, रुझान जो है लगभग 50 के ऊपर जो है भारतीय जनता पार्टी की जो सीट है पूर्व बहुमत से 50 के ऊपर आती हुई नजर आ रही है। एक दो तीन सीट का आंकड़ा नीचे ऊपर हो सकता है लेकिन हमारी सरकार पूर्व बहुमत के साथ में हरियाणा में बन गई है। इसलिए युवाओं में जोश है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये जोश जो है आप लोगों को देखने को मिल रहा, ऐसा हमारा कहना है। तो अगर मैं बात करूँ सीएम किसको देख सकते हैं सर, सीएम हरियाणा में किसका चेहरा होगा सीएम? देखिए, अभी वो तो प्रदेश की राष्ट्रीय कमेटी जो है तय करेगी कि अभी आगे क्या करना है। बस हम लोगों को ये देखना कि युवा होने के नाते जो हरियाणा की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर भरोसा जताया है वो सपना साकार होते हुए दिखाई दिया। धन्यवाद। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो शाम 5:30 बजे तक बीजेपी कुल 36 सीटों पर अपनी जीत दर्ज कर चुकी है। इसके अलावा 13 सीटों पर बीजेपी की बढ़त है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस 31 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर है और 5 सीटों पर कांग्रेस की बढ़त है। बता दें, हरियाणा में कुल 90 विधानसभा सीटें हैं। अब देखना होगा कि कौन सी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना पाती है और सीएम की कुर्सी किसके पाले में जाएगी।